मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों ने भी एक चीज बहुत ही ज्यादा नोटिस करी होगी कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की और दिशा सालियान की मृत्यु हुई है, तब से लेकर और आज तक बहुत ही ज्यादा क्रिप्टिक मैसेजेस का खेल खेला जा रहा है। वो चाहे स्टीव पिंटो के क्रिप्टिक मैसेजेस हो दिशा सालियान को लेकर, वो चाहे रिया चक्रवर्ती का क्रिप्टिक मैसेज हो सॉरी बाबू, जिसे सब ने पहले में तो यही सोचा था कि वो सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को सॉरी कहने के लिए कह रही थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती अपना सॉरी बाबू वाला मैसेज अपने इंस्टाग्राम पोस्ट और फेसबुक पोस्ट पर भी पब्लिश किया करती थी। आप दिन समय डेट देख सकते हैं, ये मैसेज तब का है जब वो सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में आई तक नहीं थी। और अभी अचानक से मैंने बुद्धा पिठानी उर्फ सिद्धार्थ पिठानी की प्रोफाइल पे विजिट किया, लेकिन उससे पहले ये बुद्धा वर्ड मेरे माइंड में काफी दिनों से खटक रहा था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को लेकर आप सब कोई देख सकते हैं कि क्या पोस्ट किया था। द मैन हु एम्पावर्ड मी अनक्लिप्ड माय विंग्स एंड शोड मी द स्काई, ही इज माय बुद्धा। जी हाँ, बुद्धा। और यही बुद्धा वर्ड आप सभी लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे संजो कर रखता था। उसके बाद चलिए टॉपिक पर आते हैं, श्रोडिंगर स्माइली। आप सभी ने सुशांत सिंह राजपूत को पर्टिकुलरली ये वर्डिंग्स वाली टी शर्ट पहने बड़ी सारी तस्वीरों में देखा होगा, जिसके बाद ये श्रोडिंगर स्माइली वर्ड बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में भी आया था। अब जब मैंने सिद्धार्थ पिठानी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करी तो मुझे ये वाला सबसे पहला पोस्ट दिख गया, जिसमें ऊपर ऊपर से देखने पर तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, बिल्कुल नॉर्मल सा ही लगा। लेकिन जब मैंने कैप्शन देखे, फोटो के टाइटल देखे, इसमें लगे हैशटैग्स को देखा, तो मेरा दिमाग भी घूम गया और बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में भी उठने लग गए। श्रोडिंगर कैट इज अलाइव, इसका मतलब क्या है? हैशटैग श्रोडिंगर कैट, हैशटैग इलस्ट्रेशन, हैशटैग प्रोक्रिएट, मतलब इन सारे हैशटैग्स को देखकर और इनके पोस्ट्स को देखकर तो यही समझ में आता है और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और चटक सी फीलिंग आती है कि ये सभी लोग सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी और मौत का सारा सच जानते हैं। इन्हें हर वो सवाल के जवाब पता है जिससे यह केस मिनटों में सेकंडों में सॉल्व हो सकता है। पर आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी दुविधा है, आखिर ऐसा कौन सा प्रेशर है या ऐसा कौन सा लालच है कि इस केस को जानबूझकर सॉल्व नहीं किया जा रहा है? इस पिठानी के पोस्ट को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं? अपने विचार और अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे भी इस चीज को लेकर थोड़ी क्लैरिटी मिले। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाज और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।